फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो अभी दोपहर का टाइम है और खाना वगैरह मैंने बना लिया है, चावल दाल सब्जी सब कुछ बना लिया है। उसके बाद अभी जाएंगे गोलू को स्कूल से लाने के लिए, स्कूल से नहीं सॉरी बहन से लाने के लिए। वैन आने का भी टाइम हो गया है तो चलते हैं। गोलू अभी स्कूल से आ ही रहा होगा, गोलू का वैन आ गया होगा लगता है। तो गोलू का वैन अभी स्कूल से आ ही रहा होगा तो चलते हैं गोलू को लाने के लिए। अभी ये पास में ही वैन रुकती है पर उसको आदत है कि उसे कोई छोड़ने जाता है और कोई लेने आता है तो वरना वो गुस्सा हो जाता है। तो चलिए चलते हैं गोलू को लाने के लिए वैन से। तो बाहर जाना है इसीलिए तो सर पे पल्ला डालना जरूरी है, तो डालते हैं सर पे पल्ला और चलते हैं गोलू को लेने के लिए। तो मैं आ गई हूँ बाहर अभी और बस यही रुकते हैं, यहाँ से वैन दिखेगा। और ये है गोलू जी की गाड़ी जिसमें गोलू का नाम लिखा हुआ है, ये देखिए। आज ये काम पर नहीं गई है वरना मतलब आज इसको फुर्सत है ये बोल सकते हैं, वरना ये रोज कहीं ना कहीं घूमते रहती है। तो ये रही गोलू जी की गाड़ी। तो बहन अभी नहीं आई है इसलिए वेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए इस घर में जो हमारा हॉलर है जिस। और ये जाने लगी है हमारी भी गाड़ी अभी, वैन का वेट करते करते मैं आ गई हूँ इधर कपड़े पलटने के लिए। कपड़े मैंने यहाँ पे सूखने के लिए दिए थे तो ये पलट देते हैं तब तक। धूप काफी कड़ी है आज, बहुत कड़ी धूप है, बहुत धूप लग रही है। तो कपड़े पलटते हैं। यहाँ मुझे मिल गई सब्जी, देखिए ये रही। तो इसको तोड़ लेते हैं अभी, देखिए ये सब्जी मिल गई। तो कपड़े मैंने पलट दिए हैं सारे और ये एक नैनुआ मिल गया, ये ले लेते हैं और चलते हैं घर, क्योंकि गाड़ी अभी आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं, फ़ोन करके देखते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, पता नहीं। गोलू अब आ गया है स्कूल से, वैन उसका आ गया है, चलते हैं गोलू को लाने के लिए। और ये देखिए गोलू आ गया है स्कूल से। अच्छा मु गढ़ा कर थी लिया इसके दे की मु के ल पानी दियो चल घर पे घर लगे के नहीं मु के दिया मु के बहुत सोस लाऊ थी तो बंद करो। तो खराब तो गोलू स्कूल से आ चुका है, ये देखिए नहा धोकर बैठ गया है अच्छी तरह से। और हमारी ड्यूटी अभी लगी है यहाँ पे, चावल सॉरी गेहूं सूख रहे हैं तो कवे और कबूतर भगाने की है ना। कवे और कबूतर भगाएंगे ना। हाँ बोलो। मैं अभी हॉरर मूवी भी देखूंगा। हाँ हॉरर मूवी देखेगा गोलू। मुझे डर लगता है। डर लगता है फिर भी देखेगा क्या? ठीक है। तो देखिए कबूतर आ गया, कबूतर आ गया। तो इधर देखिए सूख रहा है गेहूं और उधर है कबूतर, इधर है मुर्गी। तो इन सबको हमें भगाना है जब गेहूं के पास आएगी। तो और ये देखिए गोलू का मुंह फुला हुआ है। हॉरर मूवी देखना चाह रहा है अभी, तो गोलू को दिखाते हैं थोड़ा हॉरर मूवी, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। तो ये देखिए ये है हमारे दादू जी। तो बताइए दादू आप कितने साल के हैं? कितने साल के हैं? 94 का है। 96 होगा। 90 के पहले इनका मतलब 90 के पहले मतलब 31
31 का इनका बर्थ है, देखिए 31 का बर्थडे है। हाँ। और ये हमारे घर के सबसे बुजुर्ग इंसान है। कौन? ये दादू जी। दादू जी तुम रहा है? ये है दादू जी। हाँ? आप है ना दादू जी? हाँ। तो वहाँ का है ना? हाँ, वहाँ का नहीं है, आप है दादू जी। आपको हम दिखा रहे हैं ना वीडियो में, अपना फ्रेंड्स लोग को दिखा रहे हैं। ठीक है, कैसा लगा मेरा वीडियो में आके दादू जी? आपको मेरा जोड़दार एक्टर भी नहीं है? कोई नहीं है। देखिए सबसे बुजुर्ग इंसान यही है गांव में हमारे, और इससे इनसे बुजुर्ग कोई नहीं है गांव में। ये हमारे हाईएस्ट बुजुर्ग हैं, हमारे घर के, हमारे गांव के, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब गांव में इनसे बड़ा और कोई नहीं है, सबसे पुराने इंसान यही है गाँव के। तो अब तक स्वस्थ है, अच्छे है, बढ़िया है दादू जी, बिल्कुल भी इन्हें कुछ भी नहीं हुआ है अभी। हाँ। और बहुत अच्छे हैं, देखिए अच्छी तरह से घूमते फिरते हैं, सब कुछ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है दादू को। देखिए अच्छे खासे हम लोग बैठे हुए हैं और दादू खड़े हैं। हम बोल रहे बैठने के लिए तो बोलते हैं कि नहीं नहीं बैठेंगे, आप लोग बैठिए। देखिए दादू, देखिए गोलू अभी खा रहा है खाना, दाल चावल सब्जी और साथ में सलाद। गोलू खाना कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा है, ठीक है खाओ। देखिए गोलू का खाना खाते हुए कैसा लगता है गोलू? बंदर जैसा क्या? चलो खाओ खाओ खाओ। तो गेहूं अब सूख गए हैं, अब चलते हैं अंदर। गोलू का खाना भी हो गया है और गेहूं भी सूख गए हैं। गेहूं उठाते हैं और चलते हैं अंदर। तो गेहूं हमारा सूख चुका है और अब गेहूं उठाते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर, क्योंकि धूप काफ़ी कड़ी है, इस वजह से गेहूं भी जल्दी सूख गए हैं। और गोलू अभी स्कूल से आके खाना खा चुका है तो उसको थोड़ा सा आराम करवाएंगे। वैसे वो चाहता नहीं है दिन में सोना, या फिर कभी भी वो सोना नहीं चाहता है, फिर भी इसको ज़बरदस्ती थोड़ा सा सुलाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा, और ब्लॉग किसी भी तरह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अच्छे से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा।